अज असी तो एक प्यारी जी बच्ची ना मिलवाण जा रहे हैं, निहिरा बुद्धि राजा, जिसने कि बहुत घट एज दे विच 3 साल की इसकी उम्र है। और तुसी देख सकते हो जिहड़ियां बुक्स तुसी देख रहे हो इसने खुद पिक्चराइज कीतियां ने। हेलो ठीक हूं। ये किसने लिखी है बुक्स? किसकी बुक्स है ये? मेरी। ये आपने खुद बनाई है? मैम ये शुरू तो ही हेल्दी अनहेल्दी फूड नू बहुत डिफरेंशिएट करती सी कि हेल्दी फूड ये है, खाना चाहिए, हेल्दी फूड खा के हम स्ट्रोंग होते हैं। फिर इन्हें ना जिमें इन्हों चित्रित करना जो शुरू किया, फिर इन्हें चित्रित इस तरह किया कि ये एप्पल नू बनाती सी ते उदे स्माइल ला देती सी कि एप्पल हैप्पी है क्योंकि वो हेल्दी है। यही उन्हें फूड नू इमोशंस नाल रिलेट करना शुरू करता, शुरू तो इन इमोशंस नू रेकग्नाइज करती सी, हैप्पी सैड एंगरी सारा कुछ दस दें सी। हले 1.5 साल की सी उदों तो। स्कूल दे विच ज़्यादातर फोकस किया जाता है, एक्टिविटीज़ विच ज़्यादातर फोकस किया जाता है, ड्रॉइंग होगी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ बनानी सिखाई जाती है, और रीडिंग बहुत अच्छी कर लेंदी क्योंकि कई वर्ड्स यहो जिहे ने जिहड़े कि 3 साल का बच्चा नहीं रीड कर सकता। हेल्दी फूड इज हैप्पीनेस फूड। फोटोग्राफिकली रिकग्नाइज किया था इसने कई सारे ऑब्जेक्ट्स को, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसको रिकग्नाइज किया है। 2 साल 2 महीने की उम्र में ये वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम लेती थी देख के, उनको रिकग्नाइज करके, और कुछ डे टू डे ऑब्जेक्ट्स भी बताती थी, कार्टून कैरेक्टर्स बताती थी, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तुसी, मैं हाँ प्रबलीन कौर। अक्सर जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे विच अजकल एक्टिवनेस और बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने स्कूल तो सीखण नूं मिलदियां ने, पर स्कूल तो पहला भी पेरेंट्स का बहुत वड्डा रोल रहिंदा है। कुछ चीज़ा घर दे विच शुरुआती तौर पर सिखाइया जाण, जेकर पेरेंट्स डॉक्टर होण तां मैनूं लगदा है घर दे विच शुरुआती तौर पर ही हैल्दी ते अनहैल्दी फूड हो गया या फिर गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स हो गईआं, सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने घर दे विच बच्चे नूं सिखाणियां शुरू कर दित्तियां जांदियां ने। जिस तों बाद कि अज असीं तुहानूं इक प्यारी जी बच्ची नाल मिलवाण जा रहे हां, निहिरा बुद्धि राजा, जिसने कि बहुत घट एज दे विच 3 साल की इसकी उम्र है। और तुसी देख सकते हो जिहड़ियां बुक्स तुसी देख रहे हो इसने खुद पिक्चराइज कीतियां ने, एक फूड ते इमोशन नू जोड़ के दिखाया है कि जेकर असी हैल्दी फूड खाने हैं तो साढ़े किस तरीके के फेस एक्सप्रैशन होंगे ने या असी की फील करते हैं, और उस तो बाद जेकर गलबात की जाए अनहैल्दी फूड्स की तो घर के पहले ही कह दिया जाता है कि जंक फूड जिहड़ा है वह नहीं खाना चाहिए। पर जिहड़ा निहिरा वालों ये सारा कुछ पिक्चराइज किया गया बुक्स जिहड़ियां ने 3 साल की उम्र खुद बनाईया गया ने, पेरेंट्स की हेल्प के नाल इसनू पब्लिश भी करवाया गया। गलबात करते हैं। हेलो निहिरा, कैसे हो? हेलो ठीक हूं। ये किसने लिखी है बुक्स? किसकी बुक्स है ये? मेरी। ये आपने खुद बनाई है? मैम किवें इन्हें शुरुआत की तुसी घर दे विच, क्योंकि बच्चों नू थोड़ी थोड़ी चीज़ा जिहड़ियां ने शुरुआती तौर पर सिखाने की कोशिश की जाती है, और बुक्स जिहड़ियां तुसी इसकी मदद नाल पब्लिश करवाईया ने शुरुआत? मैम ये शुरू तो ही हैल्दी अनहैल्दी फूड नू बहुत डिफरेंशिएट करती सी कि हैल्दी फूड ये है, खाना चाहिए, हैल्दी फूड खा के हम स्ट्रोंग होते हैं। फिर इन्हें ना जिमें इन्हों चित्रित करना जो शुरू किया, फिर इन्हें चित्रित इस तरह किया कि ये एप्पल नू बनाती सी ते उदे स्माइल ला देती सी कि एप्पल हैप्पी है क्योंकि वो हेल्दी है। यही उन्हें फूड नू इमोशंस नाल रिलेट करना शुरू करता, शुरू तो इमोशंस नू रेकग्नाइज करती सी, हैप्पी सैड एंगरी सारा कुछ दस दिंदी सी। हले 1.5 साल की सी उदों तो। फिर हेल्दी फूड वाले दी जदों रुचि हुई, फिर इन्हें दोनों चीज़ों नू जोड़ के ड्रॉइंग्स बनाईयां ते बुक्स तैयार कीतियां। होर भी कुछ अजकल गलबात कर दी है, क्योंकि फूड के नाल तो असी कह लो रोज़ रूटीन होंगी, आप कुछ भी खाने वास्ते देने तो आप कह दें ये हैल्दी है, खाना चाहिए है ना, एप्पल देता या दूसरे साइड पर इन्हें आइसक्रीम बनाई हुई है वो वास्ते आप, मतलब जिमें नॉर्मली पेरेंट्स मना कर देंगे पीज़ा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी है ना, ये सारिया चीज़ा। तो फिर होर कोई चीज़ों के भी यदा इंट्रस्ट? हाँ जी, इनू बेड टाइम स्टोरीज़ काफ़ी वधिया लगदियां ने, रात नू बुक चुक के लेके आंदी अपने आप के ये सुनाओ सानू, मम्मा पापा दोनों सिस्टर्स नू रात नू स्टोरी सुनन दा बहुत शौक है, ते शुरू तो ही इन्होंने रात नू स्टोरी सुनदे सीगे, तां हुण दो इस बहुत कॉन्सनट्रेशन बहुत ज़्यादा देर लई कर लेंदी है, जिवें ये ड्रॉइंग्स भी जद इन्हें बनाईआं तां लंबे टाइम लई पूरी ड्रॉइंग नू कंप्लीट करदी सी,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡ। ਰਿਲੈਕਸਡ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੋਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਰੁਚੀ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਸਲੀਪੀ। Ice cream sleepy, brinjal is playful, fries sad, read properly, spinach relaxed, pizza is tired because it is unhealthy, pizza tired, radish love go to school, healthy food is happiness food। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਮ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਉਸਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਸਨੇ ਇਸਕਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਥਾ ਇਸਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੋ, ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਇਸਕੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਲੇਤੀ ਥੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਨਕੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਬਤਾਤੀ ਥੀ, ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੇਕਟਰਸ ਬਤਾਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।